बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तमाम गरीब और मुस्तहिक ख़ानदानों के लिए हुकूमत की जानिब से एक और बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ चुकी है। काफ़ी ख़ानदानों ने 8171 पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए हुकूमत की जानिब से 14,000 रुपये के लिए इमदाद के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उनको हुकूमत की जानिब से 14,000 रुपये की इमदाद का मैसेज अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। लेकिन अब हुकूमत की जानिब से एक और नए और बड़े इमदादी प्रोग्राम का आगाज कर दिया है, जिस प्रोग्राम की जानिब से हुकूमत की जानिब से 24,000 रुपए की इमदाद तकसीम करने का एक बहुत ही बड़ा अहम फैसला हो चुका है। अगर आप गरीब हैं, मुस्तहिक हैं और आप हुकूमत की जानिब से ईद उल अज़हा प्रोग्राम की जानिब से 24,000 रुपए तक की माली इमदाद हासिल करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो को आपने हर एक स्किप नहीं करना, आज के इस वीडियो को आपने मुकम्मल जरूर से देख लेना, क्योंकि हुकूमत की जानिब से ईद उल अज़हा प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज हो चुका है। इस प्रोग्राम की जानिब से हुकूमत की जानिब से 24,000 रुपए की आपको इमदाद दी जाएगी और इस प्रोग्राम में खवातीन हजरात भी अप्लाई कर सकते हैं और साथ साथ मर्द हजरात भी अप्लाई कर सकते हैं। मर्द हजरात को 10-10,000 रुपए की इमदाद दी जाएगी और खवातीन हजरात को 14-14,000 रुपए की इमदाद दी जाएगी। इस प्रोग्राम में आप किस तरह अप्लाई करेंगे, कौन सा प्रोग्राम है, मुकम्मल तफसीलात, मुकम्मल डिटेल आज के इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करूंगा। तो चलेगा, मैं आपको अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर लेकर चलता हूं, बाकी बात आपको वहां पर बताऊंगा कि किस तरीके से आप इस प्रोग्राम में बहुत ही आसानी तरीके के साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट के वीडियो जानी बढ़ लेते हैं। जैसा कि हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि आप किस तरह ईद उल अज़हा प्रोग्राम में बहुत ही आसानी तरीके के साथ अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी दोस्तों की मुझे ये भी कॉमर्स रिसीव हुए हैं कि ईद उल अज़हा प्रोग्राम क्या चीज़ है, इस प्रोग्राम की जानिब से हमें किस तरह इमदाद मिलेगी। तो मैं आपको बता दूँ, ईद उल अज़हा प्रोग्राम वो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम की जानिब से आपको 12,000 रुपये का राशन दिया जा रहा है और 10,000 रुपये आपको नगद इमदाद दी जा रही है और साथ 2,000 रुपये की आपको और इमदाद दी, यानी कि 14,000 रुपये की आपको इमदाद और 12,000 रुपये का आपको हुकूमत की जानिब से राशन दिया जा रहा है। तो यहाँ पर इस राशन के लिए अप्लाई करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन दी गई, इस एप्लीकेशन के जरिए आप अपने राशन में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये एप्लीकेशन आपको मिलेगी कहाँ से, तो अभी आपने गूगल पर चला जाना है, वहाँ पर आपने एक वेबसाइट को सर्च करना है। यहाँ पर आप वेबसाइट नोट कर सकते हैं, numanshahi.com, ठीक है, numanshahi को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने फर्स्ट आपके आर्टिकल यहाँ पर आपको दिया गया है, फर्स्ट आर्टिकल को ऊपर टाइप करना और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपने काम क्या करना है, यहाँ पर आपने क्या करना है, थोड़ा सा नीचे जाकर यहाँ से आपने एप्लीकेशन को इजीली डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपने काम क्या करना होता है, यहाँ पर आपसे होता है राशन राइस घराना रजिस्ट्रेशन, जैसे यहाँ पर टाइप करेंगे तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा। शनाख्ती कार्ड नंबर ऐड करना है, मोबाइल नंबर ऐड करना और कैप्चर फिल करके आपने क्या करना है, तस्दीक पे क्लिक कर देना है और आपकी यहाँ से बहुत ही आसानी तरीके के साथ रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। तो अब बात आ जाती है कि 14,000 रुपये की आपको इमदाद मिलेगी वो आप किस तरह हासिल करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं असास प्रोग्राम 14,000 रुपये, यहाँ पर आपने टाइप करना है। जैसे आप यहाँ पर टाइप करेंगे, यहाँ पर देखिए इमदाद के लिए अपने घराने की अहलियत के बारे में जाने, जैसे आप यहाँ पर आएंगे फार्म नंबर, अगर आपके पास NSAR की पर्ची मौजूद है तो आपने NSAR की पर्ची और फार्म नंबर लगाना है। अगर आपके पास नहीं है, शनाख्ती कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर लगाकर अपना जो कैप्चर है मालूम करे पर टाइप करना और आपने यहाँ से ईजिली रजिस्ट्रेशन करवा लेनी है। इस तरीके से आपको हुकूमत की जानिब से इंशाल्लाह इमदादी मैसेज आ जाएगा। तो यही प्रोग्राम था और इस प्रोग्राम के जरिए आप 24,000 रुपये की इमदाद इस तरह हासिल कर सकते हैं और ईद उल अज़हा प्रोग्राम इसी प्रोग्राम को कह रहे हैं और इस प्रोग्राम का आगाज़ काफ़ी दिन पहले हो गया था, लेकिन इसकी इमदाद जो अभी तकसीम होना स्टार्ट हो चुकी है। तो उम्मीद है मुख्तसर सी अपडेट थी, मुख्तसर सी वीडियो थी आपको अच्छी।